वेलकम बैक। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से ट्रिप स्टार्ट हो गया है, तो जब जब टाइम मिलता है तब तक ट्रिप मार लेना चाहिए। तो अभी हम लोग एक फिर नए ट्रिप पे जा रहे हैं। आज का डेट है 28th of April और अभी टाइम हो गया है 4:30। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नोएडा से और अभी आपको आगे बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। मैंडेटरी है, फास्ट टैग पास नहीं है तो आपको डबल टोल देना पड़ेगा। ये होता है, जिसके पास नहीं होगा वो डबल देंगे। हाँ, जय हनुमान जी की। किसी का ट्रैफिक है ये ऑलमोस्ट आ गए हम लोग नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मतलब सेक्टर 62 मेट्रो के पास। अब यहाँ से हमें NH लेना है। NH क्या मतलब, एक्सप्रेस वे लेना है। हाँ, ये टर्न के लिए कुछ हम कोई मूवमेंट कुछ कुछ मूवमेंट होने वाला है, इसलिए पुलिस हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो। और यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे अभी मेरठ एक्सप्रेस वे पे, NE03। Exactly, आ गए एक्सप्रेस वे पे। अभी हम
बाद से, हाँ उसके बाद से मेरठ जाना काफी इजी हो गया। आप एक घंटे में मेरठ पहुंच जाओगे। हरिद्वार मेरठ सोनीपत। अच्छा आप हरिद्वार गए थे ना पिछली बार तो? हाँ इसी रूट से गए थे। राइट राइट हाँ। साइट पे लॉगिन करके आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है विथ योर कुरियर डिटेल्स, जो जिस कुरियर से इनफैक्ट स्पीड पोस्ट से ही आता है, जिस स्पीड पोस्ट नंबर देके आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है, तभी आपका फास्टैग एक्टिव होता है। तो मुझे पता नहीं था, वो यूज़ हुआ नहीं था पहले कभी, तो फास्टैग वहाँ पर चल नहीं रहा था। तो फिर मुझे वो SBI के फास्टैग वाले साइट पर लॉगिन करके उसको एक्नॉलेज करना पड़ा और तब वो एक्टिव हुआ। तो अगर आप SBI का फास्टैग लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको भी आएगा, तो आप कहीं जाने से पहले उसको जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। जनहित में जारी है। ये हम लोग मोदीपुरम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। अब हरिद्वार कितना दिखा रहा था? 132 के आसपास। दो घंटा तो लग ही जाएगा कम से कम। 8 बज जाएगा, 8:30। फिर हम रुकेंगे वहाँ पे, फिर हमको कितना टाइम लगेगा देखते हैं। ये ऊपर वो बन रहा है, ये वाला तुम्हारा जो वो रैपिड रेल। अच्छा हाँ, ये रैपिड रेल का है। रैपिड रेल स्टेशन मोदीपुरम स्टार्ट हो जाएगा जल्दी, 6 महीने के अंदर। 6 महीने बहुत हो गया, 3 महीने के अंदर। अभी तक अभी कहाँ पे है? बीच बीच में स्टार्ट हो गया है और कहीं कहीं से बचा हुआ है। 110 हरिद्वार, 110 फूड कोर्ट पे रुक गए हैं। यहाँ पे आपको खाने का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ बीकानेर है और वॉच टावर है, यहाँ देख सकते हो। बाकी KFC कॉस्टा भी है, तो ये जगह सही है काफ़ी। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट करेंगे और यहाँ से फिर आगे निकलेंगे हरिद्वार की ओर। कर रहे हैं मतलब अभी मेन जो घाट है वो तो आगे है, बट एटलीस्ट हरिद्वार जुडिक्शन के अंदर जा रहे हैं। लोग का जो आज का स्टॉपेज है वो है मसूरी, बट अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ऑलरेडी 8 बज गया ना, 8 बज गया है और अभी हम लोग हरिद्वार में ही हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट कोशिश करेंगे मसूरी तक पहुंचने का।
इंडस्ट्रियल था और यहाँ से हम नहीं आए, कोई नहीं, अगली बार वापस आते वक्त। तो अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं मसूरी की तरफ, एक घंटा यहाँ से लगेगा। देहरादून अभी रात को तो बहुत सही लग रहा है, दिन का उतना पता नहीं कि दिन में क्या सिचुएशन रहता है ट्रैफिक वगैरह का, पर रात में तो बहुत सही लग रहा है, बहुत वाइब्रेंट सिटी लग रहा है। इनफैक्ट सही लग रहा है, नहीं मार्केट काफी अच्छा, मतलब ब्राइटल लग रहा है, तो सही लग रहा है ना दिन में, और बहुत सुंदर लगता है शाम के टाइम में खास करके। बहुत क्लीन और ग्रीन भी है सिटी, अब दिन में इसको एक्सप्लोर करने का थोड़ा सा अलग मजा आएगा, और रात में काफी सही लग रहा है। वैली वैली टाइप का वो है क्या घूमने वाला पॉइंट सब इस टाइप का यहाँ पे? हाँ होगा ही, काफी कुछ होगा। आज हो गया 29th of April और अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज गए हैं, तो अभी यहाँ से निकलेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे मसूरी। यहाँ पे 2 दिन का स्टे है, तो 2 दिन एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे घूमने के लिए। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और 2 दिन में जितना भी कुछ हो सकता है कवर करेंगे, तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं और फिर आपको बाहर का दिखाते हैं। ये है हमारे होटल से मसूरी का व्यू, काफ़ी अच्छा है और अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, 15 से 20 के बीच, और रात को तो अराउंड 10 से नीचे था, तो थोड़ा सा कूल वेदर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी ट्रैकिंग के रास्ते से जा रहे हैं लाल टिब्बा पॉइंट, उसे बाय रोड भी है वहाँ तक जाने के लिए, पर हमें पता चला कि रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जैम लगने के चांसेस है, तो बेटर हमने चूज़ किया ट्रैकिंग वाला पाथ। और हम जा रहे हैं अभी लाल टिब्बा, वो बेसिकली सीनिक पॉइंट है टॉप पे सनसेट के लिए, और होल आपको मसूरी का बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से, तो हम लोग की तरफ बढ़ रहे हैं। यही है ट्रैकिंग का रास्ता, हम लोग नीचे से आए हैं और अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये देखो क्या व्यू है यहाँ से, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अभी ट्रैकिंग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और ऊपर जाना है, पानी लेना था। आराम से बहुत मस्त चढ़ाई है। ये देखो अब क्या सही व्यू आ रहा है यहाँ से। बेसिकली ये जो एरिया है वो लैंडौर के अंदर आता है, जो मसूरी में ही पड़ता है, बट आप मसूरी मॉल रोड से 2-2.5 किलोमीटर दूर समझ लो, थोड़ा सा मार्केट के रस से थोड़ा सा बाहर है, और लाल टिब्बा लैंडौर में ही है ऊपर जाके। तो हम लोग बाय रोड छोड़ के अभी थोड़ा ऑफ रोड ट्रैकिंग वाला रास्ता चूज़ किया है अभी जाके, और ऊपर पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी ऑलमोस्ट हम लोग आप देख सकते हो यहाँ से वो जो
नीचे दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन एरिया, उसके और नीचे से हम स्टार्ट किए अभी और यहाँ तक आए और यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाएंगे। चलो ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक जैम, ये ट्रैफिक जाम से बचने चाह रहे थे। पीछे मिला पीछे, मेन रोड पे तो पीछे ट्रैफिक जाम आपने देखा होगा, गाड़ियों को निकलने में दिक्कत हो रहा है। और यहाँ से हम लोग, डिसीजन सही था कि हम लोग ट्रैक करके आ गए, ट्रैक का थोड़ा ही रास्ता था बस, उसके बाद हम लोग मेन रोड पे आ गए। हाँ जा सकते हैं, पर नहीं नहीं कहाँ जा रहा है रास्ता पता नहीं है ना अभी। ये देखो क्या जबरदस्त व्यू है यहाँ पे, मजेदार। पूछना पड़ेगा, ऊपर ही होगा। चलो तो ये है फेमस चार दुकान कैफे ऑफ लैंडोर, यहाँ पे चार दुकान, इनफैक्ट पांच छह दुकान हो गए अब तो, पहले चार दुकान हुआ करता था। और यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आए हैं, इसमें कि तेंदुलकर भी आया हुआ है। आप यहाँ हो तो ज़रूर आओ, अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, बेकरी शॉप्स हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं लाल टिब्बा के पास, ट्रेकिंग कर करके। ट्रेकिंग करने में कितना, 2 घंटे लग गया होगा, 2 घंटा ट्रेक करके हम लोग आ गए। और यहाँ से आप देखो लाल टिब्बा का क्या मस्त व्यू दिख रहा है, ये पूरा पैनोरामिक व्यू दिख रहा है यहाँ पे। और ये कैफ़े है, आप कैफ़े के अंदर आओगे और उसके टेरेस पे आओगे तो ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है। और एक वहाँ उधर लाल टिब्बा है, वो चार्जेस लेता है अपने टेरेस पे जाने का, तो आप वहाँ छोड़ के ये सेवॉय कैफ़े आ सकते हो। ये बेसिकली बेकरी कैफ़े है और यहाँ पे आप, थोड़ा सा कॉस्टली है फूड आइटम यहाँ पे, बट यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यही है लाल टिब्बा, बाय रोड भी आ सकते हो। लाल टिब्बा बेसिकली लैंडोर से ही आगे आता है ऊपर की तरफ, लगभग 3-4 किलोमीटर, तो आप बाय रोड भी आ सकते हो। रोड थोड़ा सा नैरो है, बट आप ट्रैक करके आना चाहो तो ट्रैक करके भी आ सकते हो। इधर अभी सन इस डायरेक्शन में है, तो सनसेट इधर ही थोड़ी देर बाद होगा। सो बेसिकली ये सनसेट व्यू और मतलब टॉप व्यू ऑफ मसूरी आप कह सकते हो, उसके लिए लोग यहाँ आते हैं। सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ पे। तो अभी तो टाइम है, अभी ऑलमोस्ट कितना 6 बजने वाला है, तो शायद थोड़ी देर में सनसेट यहाँ से दिखेगा, तो वो कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो चुका है लाल टिब्बा से वापस जाते वक्त, इसलिए हम लोग गाड़ी लाने से डर रहे थे यहाँ पे, और वो सही निकला, पैदल आने का डिसीजन सही था। देखो कि गाड़ी निकल ही नहीं पड़ी इधर से। और इस तरह से हम लोग आ गए हैं मसूरी मॉल रोड में। हाँ। काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा है, अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो गए हैं, फिर भी लोग हैं और काफ़ी वाइब्रेंट है। क्या मस्त लग रहा है, नहीं कितना कलरफुल है।
इतना रात होने के बाद भी देखो चार्म जो है मेंटेन है। ये देखो